क्या है, इससे चोट भी लग जाती है, तो हाथ भी छूट जाती है, चोट भी लग सकती है, किसी जान भी जा सकती है। यह वैसे तो देखने में तो है फाइबेटिक है ना, आग बुझाने काम आती है, पर क्या होता है कभी हाथ से छूट जाती है, कहीं को समझ नहीं आता पानी कितना खोलना है, निकली निकल बनती है तो ठीक है खोलिएगा, बताइएगा खोलेंगे है ना। पाइप पकड़ने आनी चाहिए पहले बात हुई है, और जब प्रेशर कोई खोलता है तो पता हो जाए कितना प्रेशर खोलना हमको, तो पाइपें जैसे रखी हुई हैं खोलना कैसे हमको पाइप को, ऐसे नहीं पाइप उठाते लोग क्या करते हैं बीच से निकाल देते हैं, निकाल देते ना बीच से, इससे क्या होता है हमारा पूरा वो घूम जाता है और उससे भी चोट लगती है जब पानी चालू करते हैं है ना, तो क्या गोल करेगी तो हमारे हाथ में भी चोट लगेगी, हम गिर भी सकते हैं, बोले भाई आप काम कर रहे हो थोड़ा सा बैलेंस अगर अनबैलेंस हुआ बंदा गिर भी सकता है नीचे, तो आपको ये पाइप अभी क्या होता है हाथ से पाइप होगी तो सुबह करो कि उसको चोट नहीं लगी, पाइप फूकी आगे उसका प्रेशर था पूरा डांस कर रही थी। देखो आपने कभी पाइप के ऊपर पैर रख देंगे तो क्या, जैसे सांप के ऊपर पैर रखते हैं क्या होता है डांस करता है, वैसे जब पानी छूटता है या प्रेशर ज़्यादा रहता है लाइफ में ना तो वैसे ही डांस करता है। पहले आपको ऐसे हम पाइप यूज़ करते हैं जैसे पाइप लेके आते हैं, इतनी कैसे पाइप रहती है ना, आपने उठा रहे कहते हैं इसको बॉयलर में लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कभी इस पैसे उठा के लेके जा रहे हैं, कैसे उठा रहा है अपने गंदे में उठा लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका उठा लेते हैं कैसे उठा रहा है, रेल कपलिंग जो है उसके पास से ही पकड़ना हाथ उठा ऐसे पकड़ेंगे ना, और जब किसी में लगाना है तो क्या किया यहाँ किया और अभी पाइप कनेक्ट कर दी, उसके बाद क्या कनेक्ट होने के बाद क्या करना है ये दोनों मछली पकड़ के बस आगे तक खोल देना, जाके बिल्कुल खुल गया ना, ना फोल्ड करते पड़ी है बिल्कुल आराम से खुल गया, और जब इसको रोल करना है तो रोल भी इस साइड से ही करना है, इस तरफ से रोल पाइप को सीधा कर लेना है और इसी साइड से आपको रोल करना है। अब आगे ब्रांच लगा दी, अब इसका बजट कितना हो गया, 3-4 किलो तो होगा ही होगा, अगर किसी को बच जाएगी तो क्या होगा, जबड़ा जुबड़ा तोड़ देगी अच्छे से तोड़ देगी, ठीक है ना, कोई जब फायर फाइटिंग करते तो ऐसे हम पकड़ रहे बॉयलर में चला रहे थे, ऐसे पकड़ चला रहे हैं, मैं देखा है लोग बॉयलर में चलाते हैं जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं आपकी तो ऐसे पकड़ चलाते हैं, कभी भी पाइप को ऐसे नहीं पकड़े, हमेशा पाइप को इस तरीके से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है अपना हाथ उठाया पीछे रोक लिया और आराम से पकड़ लिया, रोक बच गया जब यहाँ से जब पाइप को पानी में बाहर का प्रेशर तो क्या हो गया कि आप मोटर हो जाएगी टाइट हो जाती है, यहाँ से टाइट होगी यहाँ से अपने संभाल क्या होगा ज़्यादा ऐसे लेगी ना, ऐसे तो भी आएगी पीछे तरफ भी जाएगी तो जाएगी भी पीछे तरफ भी जाएगी ज़्यादा, अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से रोक बना के रख सकते हैं, हेल्प भी करनी है, अकेला बंदा नहीं चला सकता बाइक को, जब पैसे तो जाना है अब पाइप को जब क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ से खड़े हैं तो यहाँ से हमने पाइप को ऐसे पकड़ना हाथ डाला, यहाँ से पाइप लोगे अपनी सीधी होगी, अब पोजीशन क्या लेनी है अपने ऐसे खड़े होने, हाँ ठीक है आगे पैर ऐसे खड़े होने हैं, जब भी ऐसे खड़े होते हैं छक्का लगता गिर जाता है, पैर को थोड़ा जोड़ा करके आगे वाले पे प्रेशर डाल दिए, खड़े हो गए ये हो गए, अब ये देखिए पोजीशन बहुत अच्छी है, बकली अब मेरा क्या काम है मुझे हाथ में काम क्या रहेगा इनकी हेल्प करना है, कैसे हेल्प करनी है ये पैर अपना पीछे फैला देना इनका कि पीछे ना हटे, अब मैंने क्या किया यहाँ पे शोल्डर अपना यहाँ पे लगा दिया और बस बन गया पोजीशन, गिरेगा अपने आदमी जितना मर्जी प्रेशर छोड़ लो और बिल्कुल आराम से, किसी चीज़ में ब्लैंड प्रेशर नहीं मारना है, थोड़ा हिला के ठीक है, यही पोजीशन होनी चाहिए पकड़ने की,
और जब कभी पाइप छूटती है हाथ से, मान लो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पाइप छूट गई, हमको उस टाइम पे क्या करना है, आगे की तरफ भागना है। कहाँ भागना है? आगे की तरफ जाना है, बोले बहरे पे सिचुएशन देख के पता चलेगी कि आगे और पीछे गिर जाओगे, है ना, एरिया देख के और सिचुएशन देख के। कभी क्या होता है, पाइप तो हमने पीछे कनेक्ट कर रखी है, लगा कि पीछे पाइप तो आगे जाएगी नहीं, जाएगी क्या आगे? नहीं जाएगी, है ना। अब ज़्यादा क्या होगा, भीगेगी, है ना, साइड से भागेंगे, मार देगा, साइड से भागेंगे, पाइप हिलेगी, पाइप हमारे पैरों में बसती है, है ना, उससे क्या हो सकता है, हमको चोट लग सकती है। खुले में मारे तो कहाँ जाना, आगे की तरफ जाना, भीगेगी ज़्यादा, यही होगा। अरे पीछे तरफ आएगी क्या होगा, पाइप तो पीछे आएगी, फिर आगे तो पाइप आगेगी नहीं, क्योंकि हमने पीछे तो कनेक्ट कर रखी है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब जैसे पाइप को खोलना है, कैसे खोलना है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, यहाँ बैठकर यहाँ से खोल दूँ मैं, छोड़ लगती है ऐसे, या नीचे रख के खोलो उसको, या उसको बताया लग जो है बाहर निकालो बस, और जब लगती है बिल्कुल सब तो पता लग जाता है कनेक्ट हो गई है, आवाज़ आती टक्की आती है ना, तो कनेक्ट हो गई है, घुमा के देख लिया हमने, तभी चालू करना है। कभी क्या होता है, ये पाइप ब्रांच लगती नहीं है इसके साथ, हल्की कनेक्ट होती है, जब हम पानी छोड़ते हैं क्या होता है, ये निकल जाता है, तो हमेशा जब कनेक्ट हो जाएगा ध्यान कर लेना पूरा निकाल के, इसको जो घूम रहा है बाहर ही निकला, बस चेक कर लेना, ये इसके अंदर बासर होती है वो चेक कर लेनी, बासर आई नहीं है, ठीक है। बासर से क्या है कि हमारे कपड़े वगैरह नहीं भीगेंगे, हम भीगेंगे नहीं, जब प्रेस पानी आता है यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कभी छोड़ तो नहीं खाएंगे, कभी छूट जाती तो क्या करना है, आगे की तरफ जाना है, और एक आदमी हमेशा वाल के पास होना चाहिए, क्योंकि जो फाइल है का जो प्रेशर है वो 10 से 11 के जी रहता ही रहता है उसका, 10-11 के जी प्रेशर आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और बहुत ज़्यादा डांस करेंगे। जब नॉर्मल फायर फाइटिंग करते हैं तो 4 के जी प्रेशर रखते हैं हम, चलाएंगे 4 के जी चलाते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल बंदे को अगर सिंगल चलाना है तो पानी प्रेशर कम करके, तो जो मैंने तरीका बताया आपको पकड़ने का वही। अब बाल जब खोलते हैं कभी क्या होता है, एयर निकलती है, निकलती है हवा निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाल को और खोल देते हैं, अरे पानी नहीं आया अभी, और खोल देते हैं, खोल देते हैं, तो क्या होता है, जब पानी आता है एकदम प्रेशर से पानी आ जाता है, पे क्या करना है, बाघ को थोड़ा सा खोला, हवा निकली, फिर धीरे बाघ को खोला, उस तरीके से जिसको जो चला रहा है उसको चलाने वाले को पता होना चाहिए, जो बाघ खोल रहा है या हमारा सामने वाला जो आदमी पकड़ा है वो प्रेशर संभालेगा उतना, ऐसा बोलते हो और खोलो और खोलो, एकदम से भी नहीं खोल देना है, धीरे धीरे खोलना है, दूसरे को बेचना बैलेंस बना रहे कि वो गिरे ना, ठीक है। पकड़ना सीखे सारे, कैसे पकड़ना है, ये अपने हाथ से पकड़ा, अपना हाथ से बताया बस, सेट नोक बन गया, ठीक है ना, बना लेंगे ऐसे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। यही तरीका होता है फायर फाइटिंग का, हो पाइप पकड़ने का, ब्रांच पकड़ने का, एक किस्म का लोक हो गया हमारे पास, ये ज़्यादा कितनी आएगी साइड आएगी, हमको बचने का मौका तो मिल जाएगा, प्रेशर बढ़ता है तो हमको क्या होता है, ऐसे अगर पकड़ा है तो हमको बचने का मौका मिल जाता है, संभलने का मौका मिल जाता है, और जब हमने ऐसे पकड़ी है ना तो संभलने का मौका नहीं मिलता, इतना ही मुँह पे मारता है, क्योंकि मुँह पे मारता है, जब हमारा ध्यान क्या होता है, इसके ऊपर ही होता है, हम क्या करते हैं, अरे प्रेशर ऐसे करने लगते हैं, और क्या होता है, मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं ऐसे जो खाते खाते तेजी से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि जैसे आप अच्छे सुरक्षित घर सेफ्टी करने आए हैं, वैसे ही घर अच्छे से जाएं, कोई किसी चोट ना लगे, हमारा यही पर्पस है आपको ट्रेनिंग देने का, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।